हेलो पीपल होप यू आर वेल आज हम लोग सेक्शन ट्वेंटी थ्री से लेकर के सेक्शन ट्वेंटी फाइव सी पी सी तक डिस्कस करेंगे मेजरली अगर हम सारे सेक्शंस की बात करें ट्वेंटी थ्री से लेकर के ट्वेंटी फाइव तक तो ये बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ सूट्स के बारे में सूट्स किस तरीके से ट्रांसफर किए जाते हैं एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में सेक्शन ट्वेंटी थ्री सेज टू वॉट कोर्ट एप्लीकेशन लाइज अगर हमें सूट ट्रांसफ़र करना है तो हम किस तरीके से एप्लीकेशन कौन से कोर्ट में देंगे ये जो है हमें सेक्शन ट्वेंटी थ्री बताता है सेक्शन ट्वेंटी टू जब हम लोगों ने पढ़ा था तो सेक्शन ट्वेंटी टू क्या बताता है सबसे पहले तो सेक्शन ट्वेंटी टू पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है सॉरी पावर टू पावर टू ट्रांसफ़र सूट्स की बात करता है विच इंस्टीट्यूटेड इन वन इन वन और मोर कोर्ट्स मतलब अगर सेवरल कोर्ट्स में डिफरेंट कोर्ट्स में अगर कोई मामला है डिफरेंट कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन है उस पर मतलब दो कोर्ट का अगर जुरिस्डिक्शन फॉलो कर रहा है तो डिफेंडेंट जो है एप्लीकेशन लगा करके एक कोर्ट एक से दूसरे कोर्ट में वो ट्रांसफर करवा सकता है मामला. वो जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन लगेगी कहाँ पर यह हमें सेक्शन ट्वेंटी थ्री बताता है सेक्शन ट्वेंटी थ्री सेयर सेवरल कोर्ट्स आर सब ऑर्डिनेट टू देखो कई सारे कोर्ट्स है ठीक है जैसे हमने कहा ना कि आ, जो है कई सारे कोर्ट्स के पास जुरुजिक्शन है किसी केस को ट्राई करने का एक सिंगल केस को ट्राई करने का कई सारे कोर्ट्स के पास जुरुजिक्शन है तो इसको ऐसे समझो देखो जैसे मानो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है तो मतलब सबसे जो पहला सब सबसेक्शन है वो कहता है विद सेवरल कोर्ट्स हैविंग जुरुजिक्शन आर सबऑर्डिनेट टू द सेम अपीलाट कोर्ट सेवरल कोर्ट्स जो हैं वो सब ऑर्डिनेट हैं सेम अपीलाट कोर्ट के यानी कि ये कोर्ट वन ये कोर्ट टू ये कोर्ट थ्री ये तीनों ही कोर्ट जो हैं ये सेम कोर्ट के ऑर्डिनेट हैं क्या मतलब है उल्टा लिखते हैं हम लोग इसे देखो तो ज्यादा समझ में आएगा जब हम इसे उल्टा लिखेंगे तो सेम अपीलाट कोर्ट के नीचे ये तीनों कोर्ट्स हैं क्योंकि सब ऑर्डिनेट है ना तो हम कहेंगे कि एक ही कोर्ट है एक ही अपील आर्ट कोर्ट है उसके नीचे ये तीन हैं C1, C2, C3 तो अगर यहां पे भी जो रिस्ट्रिक्शन कर रहा है यहां पर भी जो रिस्ट्रिक्शन टू कर रहा है और यहाँ पर भी जो रिस्ट्रिक्शन लाइक कर रहा है और डिफेंडेंट चाहता है कि इस कोर्ट से लेकर जा करके यहाँ पर हम उसको ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम C1 वन टू सी तो क्या होगा तो उसे एप्लीकेशन कहाँ लगानी पड़ेगी इस वाले अपील कोर्ट में क्यों क्योंकि ये तो जो तीनों ये कोर्ट्स हैं ये इस कोर्ट के सबॉर्डिनेट है तो ये हुआ हमारा सबसेक्शन वन अब देखो कोर्ट अब देखो डिफरेंट अपीलाट कोर्ट के अंडर में आ रहे हैं डिफरेंट अपीलाट कोर्ट के अंडर में वो आ रहे हैं लेकिन हाई कोर्ट जो है वो सेम है यानी कि हाई कोर्ट एक ही है जैसे कोर्ट सी वन है वो अपील कोर्ट वन के अंडर में आ रहा है और कोर्ट सी टू है वो अपील कोर्ट सी टू के अंडर में आ रहा है लेकिन इन तीनों का जो है सॉरी इन दोनों का जो है हाई कोर्ट सेम है तो अगर हाई कोर्ट सेम है तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन आप डाल दें पढ़ते हैं ऐसे एक बार लैंग्वेज में कह रहा है, ये एक एक कोर्ट uh, हो गया ये सी टू कोर्ट हो गया ये जो कोर्ट है ये सब ऑर्डिनेट है किसके डिफरेंट अपीलाट कोर्ट के अपीलाट कोर्ट वन अपीलाट कोर्ट टू ठीक है बट सेम हाई कोर्ट लेकिन इनका जो हाई कोर्ट है वो सेम है. तो है वो उस हाई कोर्ट में लाई करेगी जहां पर आप जो है आप वो अपना सूट ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये वो हमारा अब हम सब थ्री देखते हैं सब थ्री क्या कहता है देखो कोर्ट को। जब सेवरल कोर्ट्स हैं ये सी वन है ये सी टू है ये सी थ्री है ये, ये हम लोग सब सबसे थ्री देख रहे हैं इसका हाई कोर्ट डिफरेंट है इसका हाई कोर्ट डिफरेंट है इसका हाई कोर्ट डिफरेंट है मतलब क्या समझ में आ रहा है स्टेट डिफरेंट है दोनों तीनों कोर्ट्स के तो अब क्या होगा ऐसे केस में इन्होंने कहा है हाई कोर्ट वेयर फर्स्ट सूट इज बॉट इस कोर्ट के पास भी जो है इस कोर्ट के पास भी जो है इस कोर्ट के पास भी जो है मान लो कि इस वाले कोर्ट के पास सबसे पहले सूट लाया गया था सबसे पहले सूट लाया गया था इस कोर्ट के पास ठीक है और अब जो है डिफेंडेंट चाहता है कि वो इस सी2 कोर्ट से लेके जाके सी3 कोर्ट में उस मैटर को ट्रांसफर करवा दे तो वो एप्लीकेशन कहाँ देगा इस वाले हाई कोर्ट में देगा इस वाले हाई कोर्ट में देगा क्यों क्योंकि इस वाले हाई कोर्ट के जो मतलब ये वाला जो सी2 कोर्ट है वो इस हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट है इसलिए ठीक है तो ये तीनों पॉइंट समझ में आए ये सेक्शन ये सेक्शन जो है थोड़ा सा टेढ़ा लगता है कभी कभी समझ में नहीं आता तो आई होप अब अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कौन से कोर्ट में एप्लीकेशन लाई करेगी तो यहाँ पर जो है आप जब नोट्स बनाए तो लिख लें एप्लीकेशन शैल लाए टू और फिर उसके बाद ये तीनों कोर्ट आ जाएंगे हमारे ठीक है फिर उसके बाद है हमारे पास सेक्शन ट्वेंटी फोर सेक्शन ट्वेंटी फोर टॉक्स अबाउट जनरल पावर ऑफ ट्रांसफर एंड विद्रॉल विदड्रॉल का मतलब होता है टू टेक वापस ले लेना ठीक है टू टेक बैक सम केस कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कोई केस जो है विद्रॉ कर लिया विद्रॉ करने का मतलब है उन्होंने अपने पास वापस ले लिया वो केस उन्होंने किसी को ट्रांसफर किया था किसी कोर्ट uh, को ट्रांसफर किया था लेकिन वहाँ पर बात नहीं जमी तो उन्होंने केस जो है वो वापस ले लिया देखो क्या कब होता है ये जनरल पावर बताई गई है ट्रांसफर ऑफ विदड्रॉल की ऑन एप्लीकेशन बाय पार्टी नोटिस टू पार्टी प्लस हियरिंग दैम किसी पार्टी ने एप्लीकेशन लगाई पार्टी को नोटिस देना जरूरी है और उनको सुन भी लिया गया ठीक है दोनों पार्टीज को क्योंकि हम जानते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग तो दोनों पार्टीज को सुनने के बाद और ये तो हो गई एक बात की ठीक है ये ये सारी चीजें होने के बाद या फिर कोर्ट जो है अपने मोशन पर भी ऐसा कर सकती है यानी कि सुओ मोटो भी वो ऐसा कर सकती है तो सुओ मोटो जब भी करेगी तो नोटिस नहीं देगी पार्टीज को पार्टीज को नोटिस नहीं देगी और किसी भी स्टेज पर जो है हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रांसफर कर, सकते हैं या कर सकते हैं। अब में क्या प्रोसीडिंग है तो ट्रांसफर कर रहे हैं है, ट्रांसफर है कोई भी अपील कोई भी सूट कोई भी प्रोसीडिंग जो भी उनके समक्ष पेंडिंग है प्रोसीडिंग इनक्लूड एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री और ऑर्डर प्रोसीडिंग्स में प्रोसीडिंग में यहाँ पर उन्होंने साफ लिख दिया एग्जीक्यूशन डिग्री का एग्जीक्यूशन अगर करवाना है तो उसकी प्रोसीडिंग भी जो है वो डिग्री ऑर्डर का अगर एग्जीक्यूशन कराना है तो उसकी प्रोसीडिंग भी यहाँ पर इंक्लूडेड रहेगी ये तो हुई एक ट्रांसफर की बात विदड्रॉ कब करेंगे विदड्रॉ एनी सूट अपील प्रोसीडिंग पेंडिंग बिफोर सबऑर्डिनेट कोर्ट अब उन्होंने एक बार जैसे मामला ट्रांसफर कर दिया सबऑर्डिनेट कोर्ट में लेकिन वो उसको वापस मांग सकते हैं विदड्रॉ कर सकते हैं एंड खुद कर कर या 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 तो या तो transfer to other subordinate court, या तो किसी किसी और और में में जो है उसको फिर जिस court से उन्होंने वो, वो जो है वापस रिट्रांसफर उसी कोर्ट में कर सकते हैं। फिर तो उसके बाद है हमारे पास सेक्शन ट्वेंटी फाइव सेक्शन ट्वेंटी कहता है सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू ट्रांसफर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की पावर के बारे में बताया है कि सुप्रीम कोर्ट की क्या पावर है ट्रांसफर करने की सो ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी प्लस आफ्टर नोटिस तो यहाँ पर जो है नोटिस के बाद ही करेंगे आफ्टर हियरिंग देम ठीक है मेड बाय मोशन प्लस सपोर्टेड बाय एफिडेविट यहाँ पर जो है एफिडेविट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है शपथ पत्र की जरूरत होती है अगर किसी को मामला ट्रांसफर करवाना है तो कब कहाँ कैसे ट्रांसफर होगा तो ये जो मामला है ये ट्रांसफर हो सकता है हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट इन वन स्टेट फ्रॉम हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट इन वन स्टेट टू हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट इन अदर स्टेट देखो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो मामला ट्रांसफर कर सकती है ठीक है वो खुद केस नहीं जो है लेगी सूट का कोई भी जो भी चीज है वो खुद नहीं सुनेगी वो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर करा सकती है एक सिविल कोर्ट से दूसरे दूसरे सिविल स्टेट के कोर्ट में वो ट्रांसफर करा सकती है ठीक है एट एनी स्टेज किसी भी स्टेज पर फॉर द ऑफ जस्टिस जस्टिस के एंड्स के लिए टू मीट द ऑफ जस्टिस इफ द एप्लीकेशन देखो frivolous और प्रिवेश मतलब है है कि fraud application. जो एप्लीकेशन लगाई गई है वो एप्लीकेशन फ्रॉड है तो सुप्रीम कोर्ट जो है डिसमिस भी कर सकती है ऐसी एप्लीकेशन को एंड ऑर्डर टू पे कॉम्पनशेशन नॉट मोर देन यहाँ नोट लिखा हुआ है नॉट मोर देन टू थाउजेंड ठीक है दो हजार से अधिक का जो है मतलब दो हजार से अधिक कॉम्पनसेशन नहीं होना चाहिए बट वो कॉम्पनसेशन जो है ऑर्डर कर सकती है सो आई होप आप लोगों को ये सेक्शन समझ में आए होंगे अच्छा एक चीज हम लोगों ने मिस कर दी सेक्शन ट्वेंटी फोर में हम लोगों ने ये जो सब सेक्शन थ्री है वो नहीं पढ़ा है तो एक बार उसे हम लोग बेरा की लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं कि ये सेक्शन ट्वेंटी फोर में जो सब सेक्शन थ्री है वो क्या कहना चाहता है देखो सेक्शन ट्वेंटी फोर सेक्शन थ्री For the purpose of this section, courts of additional and assistant judges shall be deemed to be subordinate to the district court. इन्होंने कहा कि district court के नीचे किन courts को हम मानेंगे additional और assistant judges के court को हम मानेंगे कि ये district court के नीचे हैं district court से subordinate हैं ये हमारा point A कह रहा है clause A कह रहा है फिर उसके बाद क्लॉज बी से इस प्रोसीडिंग इंक्लूड्स प्रोसीडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ और ऑर्डर ये तो हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया ठीक है कि प्रोसीडिंग में जो है तो ये हमारा क्लॉज बी है फिर उसके बाद सबसेक्शन फोर द कोर्ट ट्राइंग एनी सूट ट्रांसफर्ड और विद कोई भी कोर्ट जो है कोई भी मामला ट्राई कर रही है कोर्ट जो है जो भी सूट ट्रांसफर किया गया है या विदड्रॉ किया गया है ठीक है अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस हमने कोई मामला ट्रांसफर किया या विदड्रॉ किया कैसे कोर्ट से जो कि कोर्ट है ऑफ स्मॉल कॉजे स्मॉल कॉजेज का वो कोर्ट है वहां से हमने मामला ट्रांसफर किया या विदड्रॉ किया शैल फॉर द पर्पज ऑफ सच सूट बी डीम्ड टू बी कोर्ट ऑफ स्मॉल तो जहां पे हमने वो मामला ट्रांसफर किया है या जहाँ से विद्रॉ किया है उस कोर्ट को भी हम लोग कहेंगे कोर्ट ऑफ स्मॉल भाई एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जब मामला गया और वो जो कोर्ट जिस कोर्ट तो में मामला ट्रांसफर हुआ है जिस कोर्ट में अब सब्सिक्वेंटली वो केस गया है उस कोर्ट को भी हम लोग कोर्ट ऑफ स्मॉल ही डीम्ड करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन फिर सबसे प्रोसीडिंग मे बी ट्रांसफर्ड अंडर दिस सेक्शन फ्रॉम अ कोर्ट विच हैज़ नो जूरिस्डिक्शन टू ट्राई इट जो है सूट ऑफ प्रोसीडिंग इस सेक्शन के अंडर ट्रांसफर हो सकती है उस कोर्ट से भी जो है ट्रांसफर हो सकती है जिसके पास कोई जूरिस्डिक्शन नहीं था उस केस को ट्राई करने का ठीक है तो नाउ आई होप हम लोगों ने सब कुछ कवर uh, कर लिया है सेक्शन ट्वेंटी थ्री में भी सारी चीज़ें कवर कर ली ट्वेंटी फोर में भी एक एक सबसेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया ट्वेंटी फाइव में भी सारे सबसेक्शन हम लोगों ने कवर कर दिए हैं तो अगर कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा थैंक यू सो मच